created for a special for Nikon user and for special the Nikon fresh user. जो निकॉन के फ्रेश यूज़र हैं उनके लिए ये वीडियो क्रिएट की गई है कि निकॉन का इनसाइड के डिस्प्ले, बैक साइड सेटअप और इसकी जॉब कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है. तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो बेसिकली यूज़ होने वाली हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में मालूमात दी गई है. तो ये हमारे पास सामने पिक्चर्स में कुछ मशीन की डिटेल दी गई हुई है. सेटअप निकॉन का, तो सबसे पहले यहाँ इसका मेन्यू है, ये कीबोर्ड के ऊपर इसके शॉर्ट प्रोग्राम भी हैं और ये नीचे स्केप है और ये मेजर वन मेजर टू डिस्प्ले वगैरह एंगल सब कुछ यहाँ इसमें दिया हुआ है. तो मेन्यू में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें. मेन्यू में सबसे पहली चीज़ जॉब है, ठीक है, फिर एकोगो है, सेटिंग है, फिर डेटा है, कम्युनिकेशन है, ठीक है. तो सिक्स नंबर पे इंटरसेक्शन कीज़ है, कैलिब्रेशन है, फिर टाइम है, यूएसपी नंबर, ये जॉब्स है. तो यहाँ इसको क्लिक करके देखते हैं तो जॉब्स में क्या क्या चीज़ें हैं. क्रिएट है, डिलीट है, फंक्शंस है और इंफॉर्मेशन है, ये जॉब्स के अंदर पूरी आती है. यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी हो सकती है. यहाँ फंक्शंस है इसकी जॉब की और जो यहाँ से इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो कोबो में देखते हैं, कोबो में इन्वर्स है, जैसे इन्वर्स है 0.1 to 0.2, फिर 0.3, तो इसमें तीनों पॉइंटों के बीच में जो एंगल है और डिस्टेंस है वो इन्वर्स के थ्रू इनपुट है. इसमें एंगल है वो हमें इनपुट कर सकते हैं. फिर एरिया एंड विजन है, लाइन एंड ऑफसेट है, तो लाइन और उसके ऑफसेट में सेटिंग आउट करने हो. फिर इंटरसेक्शन है इस चीज़ को, वो में यहाँ से स्केप करेंगे, फिर सेटिंग आती है, सेटिंग में देखते हैं, सेटिंग में क्या क्या चीज़ है. एंगल है, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, पावर सेव, कम्युनिकेशन, स्टेक आउट, नॉट, रिसेक्शन एंड अदर्स. तो ये चीज़ें सेटिंग में आती हैं. एंगल को देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं. इसकी रेजोल्यूशन है और ये हॉरिजॉन्टल. तो ये हमारे पास इसकी डिस्प्ले में जो मेन्यू में जो ऑप्शन थे सारे वो हमने देखे हैं. तो अभी हम इसका बैक साइड सेटअप देखते हैं कि किस तरह मशीन फोन की बैक साइड सेटअप किया जाता है. बैक साइड का सेटअप देखते हैं. तो ये स्टेशन वन इनपुट स्टेशन, इस पर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया है. तो वो पहले कोऑर्डिनेट है हमारे पास सेव है, तो हम सेम नाम दे के देखते हैं. वन इंटर करेंगे तो ये हमारे पास उस पॉइंट की एलिवेशन वगैरह सेव है. तो उसकी हाइट चेंज करनी है, यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी दे सकते हैं. तो सेकंड ऑप्शन बैक साइड का होता है, एंगल एंगल के जरिए करना है या कोऑर्डिनेट के जरिए. तो आप ऑप्शन नंबर वन कोऑर्डिनेट के जरिए कर सकते हैं. बैक साइड का कोऑर्डिनेट सेव है हमारे पास, वो सेटअप भी देख लेते हैं. पॉइंट नंबर टू हमने सेव करके रखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए और एलिवेशन उस पॉइंट का. तो बैक साइड के जो प्रिज्म की हाइट है वो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं 1.5. ये इस एजमुथ के ऊपर सेट हो गई है मशीन टू बैक साइड, ये एजमुथ शो कर रही है पॉइंट की. तो हम यहाँ से मेजर करके, यहाँ से भी कोई मुझसे किसी एक को मेजर करके हम इसको बैक साइड को चेक कर सकते हैं. तो यहाँ से हम मेजर करके इसको बैक साइड सेटअप कर सकते हैं. स्केप कर देते हैं, ये बैक साइड सेटअप है इसका. उसका रिसेक्शन भी हम यहाँ से रिसेक्शन वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, मतलब रिसेक्शन भी कर सकते हैं 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3. तो नया पॉइंट बनाना हो हमने, इसमें हमारे पास एक नया पॉइंट बन जाता है दो नाउन पॉइंट के बीच में, उसको रिसेक्शन.
किया है उसको डेटा ट्रांसफ़र कर दिया कम्युनिकेशन में जाती है, तो डाउनलोड में हम यहाँ से डाउनलोड में जाके या अपलोड में जाके, डाउनलोड मतलब फॉर्मेट निकोन है, डेटा नीचे मेरा डेटा भी है और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, दोनों में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटर करेंगे जैसे हम यूएसबी, अभी यूएसबी क्या रहा है, नो यूएसबी मेमोरी फाउंड, तो यूएसबी हम कनेक्ट करके इसको डाउन से डाउनलोड कर सकते हैं।